जब से लॉकडाउन हुआ है मुमरा कौसा के लोगों को राशन तो कभी खाना पहुंचाकर मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने मदद की है। ऐसे में अब ईद का मौका है और कितने परिवार ऐसे हैं जो बेहद ही मजबूर है और कुछ लोग शहर में ऐसे भी हैं जो परेशान होते हुए भी किसी को कह नहीं पाते हैं। अब इस ईद के मौके पर मंत्री जितेंद्र अवार्ड की तरफ से सेवई दूध शक्कर का किट बनाकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कलवा मुमरा के एनसीपी अध्यक्ष शमीम खान अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी टीम किट बनाने में जुटी हुई है। एक किट में दूध सेवई शक्कर है जो मंत्री जितेंद्र अवार्ड के तरफ से एक तोहफे के तौर पर ईदी है। करीब 15,000 लोगों तक मुमरा कौसा में ये किट पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें एनसीपी के तरफ से लॉकडाउन में राशन खाना पहुंचाने का काम शमीम खान ने किया है और अब ईद के मौके पर सेवई देकर लोगों की मदद की जा रही है। इस्लामुद्दीन साहब, ऐसा है, ईद का जब रोज़ शुरू होता है तो पहले ज़रूरतमंदों की पहली जो ज़रूरत होती है ये शिरखुमा वगैरह की होती है कि उससे हम शुरू करें। तो इस लॉकडाउन की वजह से ऐसे कई सारे हज़ार घर जो हैं ये लगभग इस परेशानी में मुब्तिला हैं कि उनके इधर जो शिरखुमे की भी प्रॉब्लम शुरू हुई है जैसे कि हमें पता चला। तो इस नज़र इसके लिए जो है डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने करीब 15,000 घरों को ये शिरखुमे की जो परेशानी से उनको छुटकारा दिलाने के लिए इसमें दूध सेवैयाँ और शक्कर ये जो पहली ज़रूरत होती है ईद की कि छोटी उनकी छोटी सी खुशी के अंदर अवार्ड साहब ने एक पहल की है और जिसे जिस काम के लिए जो हमारे अध्यक्ष जनाब शमीम खान साहब ने जो है इस उनके मार्गदर्शन में हमारे सारे कार्यकर्ता जो हैं आप देख सकते हैं वहाँ पर इसको पैकिंग वगैरह करने में हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो ये पहुंचाने का काम शुरू हो गया है क्या, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? जी हाँ, ये अभी पहली खेप जा चुकी है, अभी दूसरी खेप हमारी ये भी शुरू हो जाएगी। क्या क्या है इसमें? इसमें सेवई है और दूध है और शक्कर है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जो कोरोना से हुए हालात जो देख रहे हैं वो देखते हुए आज हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब और हमारे प्रेसिडेंट शमीम खान साहब और हमारे सारे कारपोरेटर उन लोगों की तरफ से जो आज सेवई और दूध शक्कर वगैरह जो गरीबों में तकसीम किया जा रहा है तो ये देख के हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि शुरू से लेके आखिर तक के हमारे आमदार साहब और शमीम खान साहब ने जो मेहनत किया है वो लास्ट दिन तक के उन लोगों ने मेहनत किया है। इतना तकलीफ़ होने के बाद भी और आज भी शमीम खान साहब जो हमारे बीच मौजूद है इतनी तकलीफ़ होने के बाद भी वो आज लास्ट दिन जो ईद का जो हमारा होता है जो एक एकदम हमारा बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है जो 30 दिन रोज़ा रख के जो लोग ईद का त्यौहार बनाते हैं वो दिन भी वो अपनी तकलीफ़ को ना देखते हुए आज उन गरीब लोगों के लिए यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है और उन गरीबों की मदद के लिए सेवई दूध और शक्कर जैसी चीज़ें जो है गरीबों में तकसीम किया जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।